कोरोना के बाद तालीमी इदारों की बंदिश तवील होने लगी। हुकूमत ने पहली से आठवीं तक स्कूल ईद तक बंद रखने और नवीं से बारहवीं तक तालीमी इदारे कल से सख्त कोरोना SOPs के साथ खोलने का फैसला कर दिया। ओ और ए लेवल इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक लिए जाएंगे। सिंध में पहली से आठवीं तक क्लासेस अब 21 अप्रैल की बजाय यकम मई से शुरू होंगी। हुकूमत मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। रियासत का लदम मुसल्ला गिरोह के सामने ब्लैकमेल नहीं होगी। फवाद चौधरी का दो टोक बयान। फिरदौस आशिक अवान ने लाहौर की सूरत हाल पर ट्वीट में कहा कि पेट्रोल बमों और तेजाब की बोतलों से लैस जत्थों ने नवाकोट थाने पर हमला किया। DSP समेत 12 अहलकार अगवा करके ले गए। पुलिस ने दिफा में जवाबी कार्रवाई की। कलदम तहरीक लब्बाई के साथ कोई मुजाकरात नहीं हो रहे। लाहौर में सिर्फ एक मकाम के सिवा पूरे मुल्क में इशाराएं खुली हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 20 अप्रैल तक कलदम TLP को तहलील कर देंगे। मजीद कार्रवाई से मुतालिक एक माह में काबीना फैसला करेगी। TLP ने 192 मकामात बंद करने की कोशिश की, जिनमें से 191 मकामात क्लियर करा दिए। तहफ्फुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़्म। कौमी असम्बली गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ कल मुत्तफिका करारदाद मंजूर करेगी। करारदाद के मुसवदे की तैयारी स्पीकर की ज़ेर सदारत इजलास में होगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद पॉलिसी बयान देंगे। ऐवान को कलदम तहरीक लब्बाई के खिलाफ कार्रवाई पर एतमाद में लिया जाएगा। सुबह से नून लीग ने रोना पीटना मचाया हुआ है। शहबाज शरीफ आमदन से जायद असासे साबित नहीं कर सके। नुसरत शहबाज के नाम पर 26 जाली TTs लगवाई गईं। शहबाज गिल की तनकीद। फारूक हबीब ने कहा कि लोक्रेसी माइंड सेट ब्यूरोक्रेसी को धमकियां दे रहे हैं। ड्राविड जाति उम्रा की सैकड़ों कनाल अराजी का इंतकाल जारी है। राना सनाउल्ला ने भी ऐसी ही वारदात अपने डेरे पर डाली है। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। काबीना बदलने से काम नहीं चलेगा। वजीर आजम बदलेगा तो आवाम को रिलीफ मिलेगा। वुज़रा और मुआविनीन की कारकर्दगी का पैमाना। ऑपोजिशन को गालियां देना है। शहबाज गिल पर तौहीन अदालत का मुकदमा होना चाहिए। मरियम औरंगजेब की तनकीद। अहसन इकबाल कहते हैं मुल्की मसाइल का हल शफाफ इंतखाबात हैं। इमरान खान के पास अब एक ही रास्ता है कि इज्जत से इस्तीफा दें और घर जाए।